हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के मेरे थर्सडे के फ्लूड मैकेनिक्स के क्लास में। कल कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं हीट एंड मास की क्लास पोस्ट नहीं कर पाया, बट फ्राइडे के दिन हीट एंड मास की मैं बड़ी क्लास पोस्ट कर दूंगा टू कंपनसेट फॉर वेडनेसडे। आप लोगों को शेड्यूल पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दिया है कि किस तरीके से हमारी क्लासेज रन करेंगी। तो आज की वीडियो में बात करूं, विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आगे जाते हुए हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूड। और टाइप्स ऑफ फ्लूड पे बात करने के बाद हम लोग फिर जंप करेंगे हमारी जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, विस्कोसिटी, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब उनकी हम लोग बात करेंगे कि जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आते हैं तब उन प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यू कैन से द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जामिनेशन में से उसमें एक आध क्वेश्चन आप लोगों को देखने को पक्का मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को फ्लूड का क्लासिफिकेशन बताऊं तो इनिशियली हम लोग दो टाइप के फ्लूड्स के बारे में बात करते हैं, एक होता है आइडियल फ्लूड और एक होता है रियल फ्लूड। और उसके बाद विल टॉक अबाउट द न्यूटोनियन फ्लूड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। ये जो सारे के सारे टॉपिक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, कंप्रेसिबल फ्लूड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूड, ये जैसे जैसे हम लोग स्टेटिक्स और काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। जिसमें और भी आ जाएंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो इस वजह से आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक मैं वहां पे आप लोगों को कवर करवा दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट विद व्हाट इज द आइडियल फ्लूड एंड रियल फ्लूड। देखिए, जितनी चीजें आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है आप लोगों को उतनी ही याद रखनी है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक पे ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट मच टाइम, जस्ट गो विथ वॉट एवर यू आर बींग टॉट। तो यहाँ पे मैं बात करूं सबसे पहले आइडल फ्लूड्स। वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल फ्लूड्स। आइडल फ्लूड्स हैव जीरो विस्कोसिटी। सबसे पहले आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आइडल फ्लूड्स की जो विस्कोसिटी होती है इट इज जीरो। दे आर इनकम्प्रेसिबल, इन्फिनाइट बल्क मॉड्यूलस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आज तक एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाई गई है, बट यू शुड रिमेम्बर दैट आइडल फ्लूड्स हैव द इन्फिनाइट बल्क मॉड्यूलस। उनके कोई भी सरफेस टेंशन इफेक्ट नहीं क्रिएट होते उनके सरफेस के ऊपर, दैट मींस देयर इज नो सरफेस टेंशन इन आइडल फ्लूड्स। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडल फ्लूड्स आर इमेजिनरी, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बट हमारे एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम लोग लिक्विड्स में वाटर और गैसेज में एयर को आइडल फ्लूड्स मानते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेट्स रिपीट व्हाट आर आइडियल फ्लूड। सबसे पहले दे आर इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। जीरो विस्कोसिटी को आप लोग क्या बोल सकते हो, इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। इनफिनाइट बल्क मॉड्यूलस, जीरो सरफेस टेंशन या नो सरफेस टेंशन, एंड इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो रियल फ्लूड्स जो हो जाते हैं इससे कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे आइडियल फ्लूड्स की कोई विस्कोसिटी नहीं होती तो उसी तरह रियल फ्लूड्स में विस्कोसिटी इफेक्ट प्रेजेंट होता है। विस्कोसिटी इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आइडल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होते तो रियल फ्लूड्स आर कंप्रेसिबल। आइडल फ्लूड्स का बल्क मॉड्यूलस इनफिनाइट होता है। बल्क मॉड्यूलस क्या है वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, दैट विल बी पोस्टेड ऑन सैटरडे। उसमें बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वहां पे मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। विद दिस हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। बट द रियल फ्लूड्स हैव फाइनाइट बल्क मॉड्यूलस। सरफेस टेंशन फोर्सेस भी उस पर इफेक्ट करते हैं। एंड ऑल द फ्लूड्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल, सॉरी रियल फ्लूड्स। मींस आइडियल फ्लूड्स आर इमेजिनरी एंड द रियल फ्लूड्स आर वन विच एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इतने पॉइंट्स के अलावा आप लोगों को कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आईएएस और एसएससी जेई में आ चुका है। एसएससी जेई में बहुत रेगुलरली इसी से रिलेटेड, इसी स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सो यू कैन रीड इट वंस मोर बाय पॉजिंग द वीडियो, वीडियो को पॉज के लिए और एक बार इसको और पढ़ लीजिए। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे रखा है न्यूटोनियन फ्लूड। द न्यूटोनियन फ्लूड्स आर द वन व्हिच ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटोनियन फ्लूड्स कौन से फ्लूड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, वो न्यूटोनियन फ्लूड है। जैसा हम लोगों को पता है दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, दैट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन।
तो यहाँ पे जब आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हो तो आ जाता है म्यू, दैट इज योर डायनामिक विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में विस्कोसिटी के बारे में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा, यू कैन क्लिक द आई बटन और एल्स गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। तो न्यूटोनियन फ्लूड्स के एग्जाम्पल हो जाता है वॉटर है, एयर है, एल्कोहल है, ग्लिसरॉल है और थिन मोटर ऑयल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूड्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, जिसमें टाउ जो होता है शियर स्ट्रेस जो होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है। यू कैन से दैट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आइदर डीयू अपॉन डीवाई। डीयू अपॉन डीवाई क्या बोलोगे आप लोग? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। मैंने इसके ऊपर आप लोगों को एमसीक्यूज भी बताए थे जहां पे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन करेक्ट आंसर था। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको आप लोग बोल सकते हो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या डिस्टोर्शन, एंगुलर डिस्टोर्शन मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे। सो यू शुड रिमेम्बर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली। इसके एग्जाम्पल याद रख लीजिए वॉटर, एयर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड थिन मोटर ऑयल। आगे बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट द नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स जो होते हैं वो दो टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होते हैं टाइम डिपेंडेंट। ये तो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं ना, यू कैन से दैट दीज आर शियर स्ट्रेस डिपेंडेंट। इनके ऊपर शियर स्ट्रेस के इफेक्ट से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं। और जो टाइम पे डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली हम लोग टाइम की बात करते हैं। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं उसमें जो एक्चुअली तीन आते हैं पर यहाँ पे दो लिखे हुए, मैं थर्ड वन यहाँ पे ऐड कर देना चाहूंगा, दैट इज द बिंगम प्लास्टिक फ्लूड। सबसे पहला जो आप लोग टाइम इंडिपेंडेंट में बात करेंगे हम लोग, दैट विल बी द डायलेटेंट फ्लूड। अभी वो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है वो मत ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। द सेकंड वन इज द स्यूडोप्लास्टिक फ्लूड एंड द थर्ड वन टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड इज बिंगम प्लास्टिक। बात करें हम लोग टाइम डिपेंडेंट की, द फर्स्ट वन इज थिक्सोट्रॉपिक एंड द सेकंड वन इज रियोपेक्टिक। दैट मींस एक टाइप के फ्लूड होंगे जिनकी विस्कोसिटी में टाइम के चेंज के साथ कुछ असर नहीं होगा, तो वो बन जाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड, जिसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस डिपेंडेंट। बट दूसरी कैटेगरी ऐसे फ्लूड्स की जिनके ऊपर टाइम का इफेक्ट पड़ता है उनकी विस्कोसिटी के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम द टाइम डिपेंडेंट फ्लूड। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सा है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज द डायलेटेंट फ्लूड। डायलेटेंट फ्लूड में होता क्या है, दैट रिमेंबर दिट वेरी इजीली, दैट एज योर शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप लोगों का टाउ बढ़ता है द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप लोगों का शियर स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों का म्यू बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सीधा का सीधा एग्जांपल दूं कि जैसे आप लोगों का है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? चाशनी। चाशनी को कभी आप फ्लो होने दीजिए, याद रखिए उसको अगर आप लोग फ्रीली फ्लो होने दो तो कुछ देर वो आगे जाके रुक जाएगी। रुक क्यों जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे वो फ्लो होती जा रही है, जैसे जैसे उस पर शियर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो और घाटी होती जा रही है। दैट मीन्स द विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डायलेटेंट फ्लूड। इस वजह से डायलेटेंट फ्लूड को कहा जाता है शियर थिकनिंग फ्लूड। याद रखिए डायलेटेंट फ्लूड को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज शियर थिकनिंग फ्लूड। जहां पे जैसे जैसे आप लोगों का शियर स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। शुगर सॉल्यूशन हो गया इसका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो बटर है। बटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायलेटेंट फ्लूड। अब होता क्या है, कोई भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की बात करूं तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी गवर्न करती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स को। न्यूटोनियन को तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गवर्न करता है, पर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स के लिए इक्वेशन बन जाती है, that is tau is equals to a du upon dy raised to the power n plus b। ये b जो होता है ना, ये बात हमेशा याद रखिए कि ये b कभी भी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड्स में नहीं आएगा। मतलब टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड्स के लिए तीनों के तीनों जो है डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक, तीनों के लिए ये b जो है वो जीरो है। तो बचा क्या, a du upon dy raised to the power n, तो a की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, और जो एन की वैल्यू है यहाँ पे डायलेटेंट फ्लूड के लिए वो है ग्रेटर देन वन। याद रखिए एन की वैल्यू जो है शियर थिकनिंग फ्लूड के लिए इट इज ग्रेटर देन वन। सो डायलेटेंट फ्लूड में आप लोगों को याद रखना है, वापिस मैं बताता हूँ कि जैसे योर शियर स्ट्रेस विल इंक्रीज वैसे आप लोगों की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डायलेटेंट फ्लूड, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप लोग ले लेते हो शियर रेट, या आपका बोल सकते हो डी यू अपॉन डी वाई और d थीटा अपॉन dt, आप लोग कुछ भी ले लो, और y एक्सिस पे शियर स्ट्रेस टाउ ले लो,
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर जाती हुई लाइन बढ़ती जाएगी, मीन्स जैसे जैसे आप लोगों का शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज हाउ ग्राफ आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। डायलेटेंट एंड फ्लूड का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कुछ और एग्जाम्पल्स है आप लोगों को बात करूं, क्विक सेंड, क्विक सेंड का मतलब आप लोगों को बताऊं दलदल होता है, कॉर्नफ्लोर, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च इन वाटर मतलब क्या हो गया स्टार्च सॉल्यूशन, एंड पोटेशियम सिलिकेट इन वाटर, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें और दो एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए, बटर और शुगर सॉल्यूशन, क्या ऐड कर देंगे आप लोग, बटर एंड शुगर सॉल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो ये आप लोगों को याद रखना है, शुगर सॉल्यूशन, सॉरी जल्दी जल्दी में स्पेलिंग में गड़बड़ होती रहती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दीज आर दी ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ डायलेटेंट फ्लूइड। आगे बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट द स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की बात करूं तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ता है वैसे उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहो तो मिल्क आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग मिल्क को फ्लो करने दोगे तो वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली फ्लो होता जाएगा। दूध, दूध जो होता है, मिल्क जो होता है ना, उसकी विस्कोसिटी जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे कम होती जाती है, इस वजह से वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसका, इसको समझने के लिए, वो है ब्लड। ब्लड हम लोगों को लगता है कि थोड़ा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, बट जैसे आप लोग उसको फ्लो करने दोगे ना, कभी भी आपने देखा नहीं होगा, ब्लड निकाल के मत देखना, पर आप ब्लड को जब गिरेगा जमीन पे तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। दैट मींस यू कैन से दैट जैसे आप लोगों का शियर स्ट्रेस बढ़ता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन बोली कि जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है उनके लिए इक्वेशन बन रही है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर एन। तो यहाँ पे आप लोग ए की जगह लिख दोगे म्यू और एन की जगह लिख दोगे लेस देन वन। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मैंने यहाँ पे डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स दोनों को साथ में रख दिया है, तो ये जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। न्यूटोनियन की लाइन यहाँ से जा रही है, न्यूटोनियन की लाइन यहाँ पे भी बना सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लाइन बनती है। तो ये हो गए दोनों टाइप के फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। स्यूडोप्लास्टिक का दूसरा नाम भी है आप लोगों को याद रखना, शियर थिनिंग फ्लूइड, क्योंकि वहां पे थिन होते जाते हैं तो इसको बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड। डायलेटेंट को बोलते हैं हम लोग शियर थिकनिंग फ्लूइड और स्यूडोप्लास्टिक को बोलते हैं हम लोग शियर थिनिंग फ्लूइड। एग्जाम्पल्स बात करूं स्यूडोप्लास्टिक के तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केचप, दूसरे पॉलीमर सॉल्यूशंस हो गए, ग्रीस हो गए, स्टार्च सस्पेंशंस, यहाँ पे इसमें वाटर नहीं ऐड करा हुआ होगा, और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। और मेन एग्जाम्पल जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ब्लड एंड मिल्क, मोस्ट आईएमपी है ये, आप लोगों को याद रखना है दैट ब्लड एंड मिल्क बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। बाकी याद ना रखो तो भी चलेगा, एक केचप याद रख लीजिए। मूविंग अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट बिंगम प्लास्टिक, और इसको कहा जाता है आइडल प्लास्टिक फ्लूइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। होता क्या है इन फ्लूइड्स में कि इनिशियली आप लोगों को याद रखना है, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन लिखी कि टाउ इज इक्वल्स टू ए डी यू अपॉन डी वाई रेस टू द पावर एन प्लस बी। तो यहाँ पे B जो होता है ना, यहाँ पे B हो जाता है एक इनिशियल स्ट्रेस टाउ जीरो के बराबर, ये जो यील्ड स्ट्रेस लिखा हुआ है ना ये टाउ जीरो के बराबर हो जाता है। अगर इसका एग्जांपल देना चाहूं मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को याद रखना है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है, जैसे आप लोग जब ब्रश कर रहे होते हो तो टूथपेस्ट को आप लोग जितना प्रेस करते हो उतना ही बाहर निकलता है, वो फ्लो नहीं करता है। मतलब इनिशियली जितना आप लोगों ने स्ट्रेस पहले ओवरकम किया होगा उसको धक्का देने के लिए बाहर निकलने के लिए, वो स्ट्रेस ओवरकम कर दिया तो उसके लिमिट जितना बाहर निकल के आ गया। और ये इनिशियल स्ट्रेस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यील्ड स्ट्रेस या थ्रेशोल्ड स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो इसी वजह से बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है ए की जगह हो गया म्यू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर एन प्लस टाउ जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे एक इनिशियल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस को आप लोगों को ओवरकम करना पड़ता है, और उसी के बाद वो जो लिक्विड है उसके ऊपर फ्लोइंग आने लगेगी, मतलब वो उतना ही फ्लो करेगा जितना आप लोग स्ट्रेस लगाओगे, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होगा। इस वजह से उसका बिहेवियर प्लास्टिक है, इस वजह से उसको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड भी कहा जाता है। यू हैव टू ओवरकम द इनिशियल स्ट्रेस, देन एंड ओनली देन यू कैन ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसके एग्जाम्पल्स है, बेस्ट एग्जाम्पल इज टूथपेस्ट, आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद है ड्रिलिंग मड, क्ले सस्पेंशन, मायोनीज आप लोग सब खाते होंगे, चॉकलेट्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड एंड मस्टर्ड। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है द एग्जाम्पल्स ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो अभी तक हम लोगों ने तीनों टाइम इंडिपेंडेंट या शियर स्ट्रेस डिपेंडेंट
फ्लूड्स के बारे में बात कर ली, जिसमें थे डायलेटेंट फ्लूड या शियर थिकनिंग फ्लूड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूड या शियर थिनिंग फ्लूड, एंड थर्ड वन वॉज बिंगम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। नेक्स्ट हम लोग बात करें थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड की। ये दोनों थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक जो दोनों के दोनों है, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूड है। टाइम डिपेंडेंट फ्लूड होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लोग इसको, मैं स्मॉल टी लेता हूँ टाइम के लिए, इसको आप पढ़ा रहने दोगे, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है तो इसकी विस्कोसिटी म्यू जो है वो कम होती जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग याद रख सकते हो पेंट। क्या याद रख सकते हो? पेंट। जब भी आप लोग पेंट का, अगर आप लोगों ने घर पे कभी पेंट का काम किया तो याद रख लीजिए, हम लोग जो पेंट खरीदते हैं वो पूरा का पूरा जो मिक्सचर होता है वो हम लोग पूरा सील पैक खरीदते हैं और उसको हम लोगों को कुछ समय के अंदर ही यूज करना पड़ता है। अगर उसको हम लोग ओपन करने के बाद यूज नहीं करेंगे तो होगा कि आप जैसे वॉल पे अप्लाई करोगे ना तो वो नीचे नीचे फ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। इट विल नॉट हैव द इनफ बॉन्डिंग, मतलब उसकी विस्कोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो नीचे फ्लो होकर गिर जाएगा। फॉर द पेंट्स टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल आप लोगों को उसकी विस्कोसिटी ज्यादा चाहिए। तो याद रखिए ऐसे फ्लूड्स जिनके टाइम के साथ वहां पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो उनको कहा जाता, सॉरी विस्कोसिटी कम हो जाती है तो उनको कहा जाता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना इसकी इक्वेशन जो बन जाएगी, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर एन प्लस यहाँ पे बी जो हो जाएगा, दिस विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर के साथ आपकी विस्कोसिटी कम होगी। एग्जाम्पल हो गया पेंट हो गया, हनी हो गया, इसके एग्जाम्पल्स। बात करें रियोपेक्टिक फ्लूड्स की, रियोपेक्टिक फ्लूड्स में इससे उल्टा होता है। जैसे आप लोग इसको पढ़ा रहने दोगे ना तो इसकी विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी या बढ़ती जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। वैसे हम लोग थियोरेटिकली तो बोलते हैं बढ़ती है, बट बढ़ाना इट्स नॉट ईजी। आप लोग बढ़ाना याद रखिए वरना आप लोग कन्फ्यूजन करोगे। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊं, जो बायोलॉजिकल फ्लूड्स होते हैं जिसमें हम लोग लेबोरेटरीज में इंसेक्ट्स और इन सबको रखते हैं ना, उनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है। अदर एग्जाम्पल्स आप प्रिंटर इंक्स, लेबोरेटरी सॉल्यूशंस, ये वही हो गए लैब सॉल्यूशंस या बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी, दिस विल बी टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू द पावर एन प्लस एफ टी। यहाँ पे बात करें Here n will be greater than 1, पिछले केस में n जो होता है वो less than 1 होता है, और यहाँ पे ft जो है मतलब टाइम के साथ विस्कोसिटी आप लोगों की बढ़ती जाएगी। So I hope you are clear with this examples। आप लोगों को सारे के सारे मैंने types of fluid बता दिए, Newtonian बात कर ली, non-Newtonian, non-Newtonian में time dependent, time independent सारे हम लोगों ने बात कर लिए। चलिए now let's move ahead to the graph। ये आप लोगों को याद रखना है सारे के सारे types of fluids एक साथ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इस ग्राफ को देखो तो एक्स एक्सिस पे आप लोगों को दिखेगा शियर रेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी यू अपॉन डी वाई। पर ये जो लाइन होती है ना, इसको कहा जाता है आइडियल फ्लूड। क्या कहा जाता है? आइडियल फ्लूड लाइन। क्योंकि आइडियल फ्लूड क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहेगा, आप उस पर स्ट्रेस लगाओ कि ना लगाओ। और इसी तरह जो कुछ भी डिफॉर्म नहीं करेगा, दिस लाइन विल बिकम ऑफ आइडियल सॉलिड। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार पूछी जाती है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई और समथिंग लाइक दैट। तो ये आइडियल सॉलिड हो गया, ये आइडियल फ्लूड हो गया, ये होगी न्यूटोनियन फ्लूड की लाइन। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप डायरेक्टली, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये हो गया एन इज लेस देन वन, मतलब स्यूडो प्लास्टिक या शियर थिनिंग फ्लूड। ये हो गया डायलेटेंट या शियर थिकनिंग, एन इज ग्रेटर देन वन। और ये हो गया आप लोगों का आइडियल बिंगम प्लास्टिक, मतलब इतना स्ट्रेस दे हो गया, ये हो गया आप लोगों का यील्ड या थ्रेशोल्ड स्ट्रेस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दीज आर द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे आप लोग बनाना चाहो तो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक भी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक में ये जो है यहाँ पे विस्कोसिटी यू कैन से बढ़ेगी, तो ये बन जाएगा रियोपेक्टिक, और ये जो लाइन बन जाएगी ये किसकी बन जाएगी? थिक्सोट्रॉपिक की। तो ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। So you can take the screenshot। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं the effect of change in temperature and pressure on the viscosity। एक छोटा सा quick revision मैं आप लोगों को करवाना चाहूँ कि viscosity property को हम लोगों ने किस तरीके से define किया था। That viscosity is a property of fluid which determines its resistance to the shearing stress। Shear stress को कितना resistance एक fluid provide कर सकता है उसकी study हम लोगों ने करी थी विस्कोसिटी में। तो विस्कोसिटी हम लोगों ने दो टाइप की देखी थी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी से रिलेटेड हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा था वो हम लोगों ने उसको बोला था द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो वहां तक आप लोगों को आई थिंक याद होगा।
चलिए आज बात करते हैं कि अगर आप लोगों का टेम्परेचर चेंज होगा और प्रेशर में जो चेंज आएगा तो उस वजह से विस्कोसिटी में क्या चेंज आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहूंगा, जैसे कि कुछ फोर्सेस की बात करें। देखिए पहले हम लोग बात करें लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस, एक टाइप के फोर्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, दैट इज द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स। इसी तरह द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव को आप लोग याद रख सकते हो एडेशन से, एडेशन मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। अब होता क्या है लिक्विड्स में, वहां पे कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू गैस। वैसे सबसे ज्यादा सॉलिड्स में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाजू बाजू में होंगे, बट लिक्विड में कोहेसिव फोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब होगा क्या, कोहेसिव फोर्स से रिलेशन, जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीजेस, कोहेसिव फोर्स कम होने लगते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फार अपार्ट। मॉलिक्यूल्स गर्म होने की वजह से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक वेसल में हम लोगों ने कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इसका टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स पहले इतना बाजू बाजू में थे, पर जैसे आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ा तो द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग फार्दर, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और दूर जाने की वजह से क्या होगा, याद रखिए दैट कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। ये आप लोगों को डायरेक्टली याद रख लेना है दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस, और कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से द विस्कोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज विस्कोसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है, एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। जब हम लोग गैस की बात करेंगे तो हम लोग मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की बात कर सकेंगे। इसका एक और एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा, तो हमेशा याद रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई चीज को मिक्स करना चाहते हो वाटर या मिल्क में, जैसे आप लोग दूध में शक्कर को मिलाना चाहो, यू वॉन्ट टू मिक्स द शुगर विद द मिल्क और विद द वाटर, तो क्या होगा कि आप लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे या ठंडे मिल्क में उसको अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे, करके देख लेना। पर आप लोग उसको जैसे थोड़ा गर्म करोगे तो गर्म करने की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगेंगे, और जैसे ही शुगर का मॉलिक्यूल उसके अंदर आएगा तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन। तो आप लोगों को याद रखना है लिक्विड्स में द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। कौन सी विस्कोसिटी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी की, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। वापिस मैं रिपीट करता हूँ, डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्सेस। अब बात करें गैसेस की, तो गैसेस में होता क्या, हम लोग बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे लिख दूं डायनामिक विस्कोसिटी की, फिर काइनेमेटिक की अलग से बात करेंगे। अब गैसेस में क्या होता है कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब जैसे आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस बढ़ने लगती है। रेंडमनेस मतलब वो एक एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा स्पीड में भागने लगते हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है। दैट मींस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस में क्या होता है, रेंडमनेस इंक्रीजेस। रेंडमनेस इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, अल्टीमेटली द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस। याद रखना है क्या होगा, द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस। और इस वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, आप लोगों को ध्यान देने जैसी बात है, दैट योर विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट मीन्स इन गैस द कोहेसिव फोर्स डज नॉट प्ले अ मेजर रोल। कोहेसिव फोर्स मेजर रोल प्ले क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होते हैं। इसी वजह से एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस द रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो आप लोगों को दो चीज तो अभी डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में पता चल गई कि टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड्स के लिए तो विस्कोसिटी कम होगी, और गैसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। मूविंग अहेड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइनामेटिक विस्कोसिटी। काइनामेटिक विस्कोसिटी जिसको हम लोगों ने डिनोट किया था सिंबॉल न्यू से, ओके तो ये था उसका सिंबॉल न्यू। न्यू इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी रो। तो लिक्विड्स के लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ही स्क्रीन में लिख दूंगा,
कि जैसे आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है तो आप लोगों की जो डायनेमिक विस्कोसिटी वो कम होती है, और लिक्विड्स में जो होती है ना वो डेंसिटी का ज्यादा असर नहीं होता, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी को कॉन्स्टेंट मानते हैं, बिकॉज लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब ये है कि आप लोगों की डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। ये मैं आप लोगों को आगे जाके फ्लूड क्लासिफिकेशन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, आई नो दैट, तो इस वजह से आप लोगों को वो अलग से शांति से समझाना पड़ेगा। अभी आप लोग इतना याद रख लीजिए दैट द इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मीन्स उसकी डेंसिटी मोस्ट इक्वल मोस्ट प्रोबेबली कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है दैट एज योर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग योर डायनेमिक विस्कोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। याद रखिए लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों विस्कोसिटी आप लोगों की कम होगी। इसी तरह बात करें हम लोग गैसेस की, यहाँ पे मैं चलिए लिख देता हूँ। गैसेस में क्या होता है, देर इज अ फॉर्मूला यू वुड हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स, पीवी इज इक्वल टू mRT। अब यहाँ पे वी को इस तरफ जान दे तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू एम अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। अब एम अपॉन वी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी, सो दिस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रो आर टी। बाकी के सारे टर्म्स को आप लोग कॉन्स्टेंट रहने दो, देन यू कैन से दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब होगा क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब म्यू अपॉन रो। आप लोगों का म्यू बढ़ रहा है गैस का, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रो कम हो रहा है, दैट मीन्स जो विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो गैस की वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि म्यू बढ़ रहा है रो कम हो रहा है, म्यू बढ़ रहा है रो कम हो रहा है, इस वजह से इट इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली 2 times विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आप लोगों को याद रखना है दैट यू आइदर टॉक अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, विद द चेंज इन टेम्परेचर लिक्विड्स के लिए दोनों कम हो जाती है और गैस के लिए दोनों बढ़ जाएगी। सो विद दिस वी कैन नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप यू विल नॉट मेक द मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। चलिए अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को मदद करेंगे टू क्रैक द एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन टू बी 1.6 इनटू 10 रेस टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी अप्रोक्सीमेटली डैश। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में जब आया था तो थोड़ी बहुत मुझे भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका रीजन बता देना चाहूंगा। देखिए अभी हम लोगों ने बात करी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो गैसेस की जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों की विस्कोसिटी है 1.6 इनटू 10 रेस टू द पावर -5, और जब टेम्परेचर आप लोगों का बढ़ जाएगा तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है 1.6 और 1.2, क्योंकि ये या तो विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट बता रहे हैं और या तो विस्कोसिटी कम होते हुए बता रहे हैं। सो दीज टू ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल। एक ऑप्शन जो आप लोगों के जो दो बच रहे हैं, दोनों बढ़ती हुई विस्कोसिटी बता रहे हैं, वो है 2.2 और ये है 3.2। तो जब ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था तो इसका आंसर है 2.2, क्योंकि विस्कोसिटी आप लोगों की 50 डिग्री चेंज में इतनी भी डबल नहीं हो सकती, कभी भी याद रखिए, इट रिक्वायर्स अ लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर डबल होने के लिए। तो ये आंसर ऑटोमेटिकली नॉकआउट हो जाता है, और इस वजह से आंसर आप लोगों को एग्जामिनेशन में याद रखना है कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ जाएगी। एंड आप लोगों को ये फंडामेंटल वापस याद रखना है दैट विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूड, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, ये गेट 2006 और 1995 में भी आ चुका है, गेट में दो बार आ चुका है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड, डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज नहीं पूछा गया, डिक्रीज पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको आता होगा वो जल्दी जल्दी में गलती कर सकते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डैश। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा था तो हम लोगों ने क्या बोला था कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज विल इंक्रीज। पर यहाँ पे लिखा हुआ है इससे उल्टा, तो यहाँ पे होगा क्या, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो इसको उल्टा कर दो, लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी और गैसेस की विस्कोसिटी कम होगी। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन जनरल देयर विल बी एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड
एंड डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस। देखिए हम लोगों को कोई भी एजम्पशन पे नहीं जाना है, जब हम लोगों को ऑपोजिट केस दे दिया गया हो तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका ऑपोजिट लॉजिक लगा लेना है। ये क्वेश्चन IAS 1993 में आ गया था एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को पता हो कि टेम्परेचर डिक्रीज के साथ विस्कोसिटी के क्या चेंजेस होने लगते हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनरल विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इंक्रीजेज एंड गैसेज डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है कि आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए और गैस की विस्कोसिटी बढ़नी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। जब एजम्पशन ही गलत हो गया तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सोचना ही मत, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो अगर आप लोगों का एजम्पशन ही गलत है तो एक ही ऑप्शन टिक करना बचता है, डी, ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। हम लोग रीजन को भी पढ़ लेते हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए कि वो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ कोहेजन। विस्कोसिटी इंटरमोलिकुलर कोहेजन ऑफ इंटरमोलिकुलर सॉरी फोर्सेज ऑफ कोहेजन और ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर मोमेंटम की वजह से होती है। यस, एग्रीड। हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही बता दिया है दैट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स और यू कैन से गैसेस, दैट मींस द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स इज ड्यू टू टू रीजंस ओनली। वन इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ कोहेजन एंड द अदर वन इज ड्यू टू द मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। लिक्विड में मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं, कोहेसिव फोर्सेस का ज्यादा असर रहता है, और गैसेज में लेटर वन का, लेटर वन मतलब मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो ये सही है। आप लोग वापस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिक्विड्स में क्या होता है, द कोहेसिव फोर्सेज आर प्रीडोमिनेंट। याद रखिए कोहेसिव फोर्सेज का असर ज्यादा होता है, द कोहेसिव फोर्सेज आर प्रीडोमिनेंट एंड फॉर गैसेज द मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर प्लेज द की रोल। मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर प्लेज द की रोल्स। इस वजह से यहाँ पे जो आप लोगों का अजम्पशन है वो गलत है, बट द रीजन गिवन हियर इज करेक्ट। आप लोगों को याद रखना है, अगर आप लोगों का अजम्पशन गलत हो जाता है तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन टिक करने को बचता है, आप बंद करके टिक कर दीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड एज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई रेस टू द पावर एन। देखिए मैंने आप लोगों को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन पढ़ाई थी, टाउ इज इक्वल्स टू ए डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर एन प्लस बी। अब इसमें से टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है तो ये बी हो जाएगा जीरो। मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो इक्वेशन दी गई है वो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स की दी हुई है, मतलब हमारा आंसर इन तीन में से एक होगा, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितना दिया हुआ है, अगर ये इसमें से कोई एक ही होता तो वही हमारा आंसर बन जाता। तो यहां पे पूछा गया है, देन द फ्लूइड विथ एक्सपोनेंट एन ग्रेटर देन वन इज नोन एज डैश। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डायलेटेंट फ्लूइड्स के लिए एन होता है ग्रेटर देन वन, इसको शियर थिकनिंग फ्लूइड भी कहा जाता है। फॉर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स द एन इज लेस देन वन, इसको शियर थिनिंग भी कहा जाता है। एंड फॉर बिंगम प्लास्टिक, याद रख लीजिए एन इज इक्वल टू वन, फॉर बिंगम प्लास्टिक एन इज इक्वल टू वन, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। आइडियल फ्लूइड्स के लिए क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था शियर स्ट्रेस इज जीरो, विस्कोसिटी इज जीरो, नॉन इनविस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, उसके बारे में बात करी थी। तो आइडियल फ्लूइड के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम लोगों ने बात करी थी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट मींस शियर स्ट्रेस जो है वो लीनियरली वेरी करता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, मतलब फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वो लीनियरली फ्लो नहीं करता है, मतलब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ पे जुड़ेंगे टू के साथ। उसके बाद बिंगम के लिए तो एक ही बचा, पढ़ लेते हैं, फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ सॉलिड अंटिल अ मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस। एग्रीड, मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया था, यील्ड स्ट्रेस या थ्रेशोल्ड स्ट्रेस तक वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा और उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब द शियर स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एग्रीड, ये बिंगम प्लास्टिक का डेफिनेशन है, याद रख लीजिए। 4, 1, 2, 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बिंगम प्लास्टिक का डेफिनेशन वापस पढ़ लेते हैं जिस वजह से आप लोगों को याद रखना आसान हो जाए। फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ सॉलिड अंटिल अ मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस बियॉन्ड विच इट एग्जिबिट्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन के ऊपर। इट इज अ ग्राफिकल क्वेश्चन, यहाँ पे इसको समझने में बहुत मजा आएगी। हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोगों को डेटा दिया हुआ है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ, मतलब आप लोग y एक्सिस पे tau और x एक्सिस पे du अपॉन डी वाई बनाए। तो आप लोगों को डेटा क्या दिया हुआ है, 0, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे आप लोग ये बना सकते हो, ये हो गया 2,
ये हो गया 1 2 3 और 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। यहाँ पे आप लोगों को डेटा कैसे दिया, 1.4 2.6, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0.5, ये 1 ये 1.5, ये 2 ये 2.5। एक काम कीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इट्स बेटर। यहाँ पे नीचे तो सही स्केल ली थी, 1 2 3 4, बहुत इजी है, 1 2 3 4। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वापिस, यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4। अब हम लोग कलर कर लेते हैं चेंज, यहाँ पे बना देता हूँ ये 1.5, ये 2.5, ये 3.5 की लाइन। तो पहला है 0 to 0, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे आएगा। दूसरा है 2, टाइम आप लोगों का जो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का वो है 2, और ऊपर की वैल्यू 1.4, तो 1.4 यहाँ कहीं आएगा और 2 ये रहा, मतलब ये पॉइंट। उसके बाद है 3 और 2.6, 2.6 मतलब यहाँ पे कहीं और 3, हम लोगों को 2 द स्केल नहीं बनाना है। उसके बाद है 4 एंड 4, इनको जोड़े हैं जब आप लोग, तो ये ग्राफ कैसा जाता हुआ दिख रहा है, ये ग्राफ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा टाइप का आप लोगों का फ्लूड, आप लोगों ने जब पढ़ा था तो कौन से टाइप का फ्लूड बनाया था, शियर थिकनिंग डायलेटेंट फ्लूड। ग्राफ मगज में बिठा लीजिए, डायलेटेंट ऐसे होगा, शियर थिनिंग स्यूडोप्लास्टिक ऐसे होगा, न्यूटोनियन ऐसे जाएगा और बिंगम प्लास्टिक यहां से लीनियरली जाएगा। बेसिक चीज है, ग्राफ बना लिया। IAS 2008 का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया है, जो ऑब्वियसली आ गया होगा, तो गलती होने के चांस नहीं है। मूविंग अहेड, असर्शन है ब्लड इज अ न्यूटोनियन फ्लूड, सही है या गलत। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ब्लड जो है वो न्यूटोनियन नहीं है, ब्लड इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। कौन सा एग्जांपल है आप लोग बता दीजिए। स्यूडोप्लास्टिक में मैंने आप लोगों को बताया था ब्लड इज द स्यूडोप्लास्टिक फ्लूड। तो यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब भी आप लोग असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आए उसमें से आप लोगों का ए, अगर असर्शन ही गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी हमेशा सही होगा, रीजन ही सही होगा। द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वेरीज नॉन लीनियरली विद द शियर स्ट्रेस फॉर द ब्लड, सही बात है, नॉन न्यूटोनियन है, दैट टाउ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, बहुत आसान रहा। एक और क्वेश्चन ले लें, फिर द मैच द फॉलोइंग है, आइडियल फ्लूड के बारे में लिखा हुआ है। तो आइडियल फ्लूड हमेशा होता है फ्लूड विद द जीरो विस्कोसिटी, उसके साथ टू सही है, देख लीजिए टू दिया हुआ है, आइडियल फ्लूड इज द फ्लूड विद जीरो विस्कोसिटी। न्यूटोनियन फ्लूड के लिए क्या होता है कि न्यूटोनियन फ्लूड के लिए विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी जो है वो डिफॉर्मेशन के साथ कॉन्स्टेंट रहती है, इसी वजह से उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, याद रख लीजिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद है म्यू बाय रो, म्यू बाय रो क्या हो जाता है, काइनामेटिक विस्कोसिटी, यहाँ पे फिफ्थ दिया हुआ है, देखिए काइनामेटिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल्स टू म्यू बाय रो। जब आप लोगों को क्या चार से ज्यादा ऑप्शन दे दी ना, तब ज्यादा से ज्यादा आप लोग गलती करोगे, वरना क्या है कि आप लोग एक आध ऑप्शन के लिए वहां पे चूज कर सकते थे, पर यहाँ पे वो भी नहीं होता है। और मर्क्यूरी के लिए अभी हम लोगों ने इसकी बात नहीं करी, तो मर्क्यूरी इज ऑलवेज रिलेटेड टू कैपिलरी राइज एंड फॉल, तो यहाँ पे कैपिलरी फॉल ये फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, हम लोगों ने बात नहीं करी। सो आंसर इज 2154, ऑप्शन नंबर डी 2154 इज दी करेक्ट आंसर, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन क्लियरली अप्लाई टू द आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड क्या होता है, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन SSC JEE में भी 2 बार आ चुका है, IAS में भी आ चुका है, IAS में 1994 में भी आ गया। एन आइडियल फ्लूड इज ऑलवेज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इन न्यूटोनियन फ्लूड द लेमिनार फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, द रेशियो बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज गिवन बाय, सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछ लिया है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और यू कैन से दैट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आई थिंक मुझे सही दिख रहा है। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, IAS 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गैसेज आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल वेन मैक नंबर इज लेस देन 0.2, पता नहीं है मुझे, इसके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं करी, इसको अभी होल्ड पे रख दो स्टार मार के। अ न्यूटोनियन फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, नहीं ये तो आइडियल फ्लूड की डेफिनेशन है, मतलब ये तो गलत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, पहले थर्ड ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, आइडियल फ्लूड हैज नेग्लिजिबल सर्फेस टेंशन, ये करेक्ट है, मतलब हमको ये पता चल गया कि सेकेंड ऑप्शन सेकेंड पॉइंट इज रॉन्ग एंड थर्ड पॉइंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए के 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 रॉन्ग है, 2 अलोन इज करेक्ट ये भी नहीं हो सकता,
वन अलोन भी नहीं हो सकते क्योंकि थर्ड तो पहले से करेक्ट है, इस वजह से ऑटोमेटिकली अगर मुझे पहले ऑप्शन के बारे में भी नहीं पता था तो भी ये मैं टिक कर सकता था एग्जाम में दैट वन एंड थ्री आर करेक्ट। देखिए एग्जाम में अगर आप लोग कुछ चीजें नहीं पता हो तो इस तरीके से भी आप लोग वहां पे चूज कर सकते हो, दैट मींस यू शुड नाउ नो दैट गैसेस आर कंसीडर्ड इनकंप्रेसिबल व्हेन योर मैक नंबर इज लेस देन 0.2। आगे बढ़े, द रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके लिए? सबसे पहले आइडियल फ्लूड के लिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताऊंगा, सबसे पहले आइडियल फ्लूड के लिए क्योंकि थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं होगा। दूसरा है न्यूटोनियन एंड तीसरा है नॉन न्यूटोनियन के लिए, उनके पास शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी मतलब टाउ और डी अपॉन डी वाई का रिलेशन बताना है। तो आइडियल फ्लूड में तो टाउ ही जीरो होता है तो ए और बी बचे, सी और डी तो वैसे ही आउट हो गए। और न्यूटोनियन फ्लूड में क्या होता है कि टाउ इज डायरेक्टली इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और नॉन न्यूटोनियन में क्या हो जाता है, ये हो जाता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर एन प्लस बी, पर यहाँ पे प्लस बी की बात ही नहीं करी है तो आप लोगों को खाली इतना याद रखना है कि रेस टू दी पावर कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में टाउ, बी में टाउ इज इक्वल टू जीरो सही है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई ये भी सही है न्यूटोनियन, और टाउ इज इक्वल टू डी यू डी वाई का स्क्वायर ये भी सही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर दे दिया तो ये गलत हो रहा था। तो ये तरीका होता है हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, द फ्लूइड्स दैट रिक्वायर अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, मतलब यहाँ पे अब आप लोगों को देखिए स्ट्रेन रेट पूछा है, आप लोगों को स्ट्रेन रेट कांस्टेंट रखने के लिए आप लोगों को शियर स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेन रेट कांस्टेंट रखना है मतलब यहाँ पे रेट जब भी बात आए तो यहाँ पे टाइम की बात आ गई। थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी स्ट्रेन की नहीं स्ट्रेन रेट की बात करी हो तो टाइम से रिलेशन आ गया, तो टाइम से रिलेशन में ये तो दोनों निकल जाएंगे, हमने टाइम डिपेंडेंट दो टाइप के फ्लूड पढ़े, थिक्सोट्रॉपिक भी निकल जाएगा, सॉरी थिक्सोट्रॉपिक रहेगा, सॉरी दो टाइप के फ्लूड बचेंगे रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक। अब रियोपेक्टिक में क्या होता है कि आप लोगों का जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे आप लोगों की विस्कोसिटी कम हो जाती है, पर मैंने आप लोगों को रियोपेक्टिक के लिए बताया था कि जैसे जैसे आप लोगों का स्ट्रेस बढ़ेगा या तो विस्कोसिटी आप लोगों की कांस्टेंट रहेगी और या तो आप लोगों की विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे आप लोगों को कांस्टेंट रखने की बात करिए तो इस वजह से ऑब्वियसली आंसर बन जाएगा रियोपेक्टिक, यहाँ पे रियोपेक्टिक लिख दिया, इट इज रियोपेक्टिक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आईएएस 1997 का क्वेश्चन है। अब एसएससी जेई के क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा बहुत और आप लोगों को मजा आ जाएगी। आइडियल फ्लूड मस्ट सेटिस्फाई, आइडियल फ्लूड में क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए पास्कल्स लॉ, नहीं पास्कल्स लॉ इज ओनली फॉर द फ्लूड एट रेस्ट। आइडियल फ्लूड का हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि इट शुड बी एट रेस्ट और आइदर इट शुड बी फ्लोइंग, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि आइडियल फ्लूड के लिए आप लोगों की जो विस्कोसिटी होती है इट इज जीरो, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कस आइडियल फ्लूड। थर्ड इज बाउंड्री लेयर थियरी, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आइडियल फ्लूड मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप लोगों का जो मास फ्लो रेट है वो कॉन्स्टेंट रहता है और इस वजह से आइडियल फ्लूड में भी जो मास फ्लो की वजह से जो लॉसेज होते हैं वो भी नेग्लिजिबल होते हैं। दैट्स वाई ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट आरके जैन बुक का भी क्वेश्चन है, बैठा बैठा आया हुआ है एसएससी जेई 2009 में, दैट The ideal fluid must satisfy the continuity equation. Moving ahead, pseudoplastic fluid, ये आप लोग बता सकते हो, I think. Pseudoplastic fluid में होता क्या है कि जैसे जैसे आप लोग वहां पे shear stress को बढ़ाते हो वैसे वैसे आप लोगों की dynamic viscosity कम होती है, जिस वजह से इसको कहा जाता है shear thinning fluid. क्या कहा जाता है इसको? Shear thinning. Dilatant इससे उल्टा होता है, shear thickening है. जैसे जैसे आप लोग shear stress बढ़ेगा वैसे उसकी viscosity बढ़ेगी। SSCG 2012 का क्वेश्चन है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स में क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द टाइम, टाइम के साथ तो नहीं होती, तो टाइम वाले दोनों ऑप्शन निकल गए। डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर बन जाएगा। अगर डायलेटेंट पूछा होता तो हम लोग ए को टिक कर देते। आगे है एन आइडल फ्लूड, तो आइडल फ्लूड हैज नो विस्कोसिटी, चलिए सही है पर इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। एन आइडल फ्लूड मस्ट सेटिस्फाई पी इज इक्वल टू आर टी, नो, वैसे भी इक्वेशन ही गलत है, पी इज इक्वल टू एम आर टी होना चाहिए वरना यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम होनी चाहिए। आई ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नो, अभी मैंने आप लोगों को बताया आइडियल फ्लूड मे और मे नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ, वैसे ओबे ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। आइडियल फ्लूड इज बोथ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, ये सही है, खाली विस्कोसिटी जीरो होना इनफ नहीं है, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, जो ये एसएससी जेई 2013 में क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर द न्यूटोनियन फ्लूड। न्यूटोनियन फ्लूड की स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कैसे होती है, अभी आप लोगों को मैंने ग्राफ बना के बताया था, ये टाउ ले लो, ये डीयू अपॉन डीवाई ले लो, तो न्यूटोनियन फ्लूड की रिलेशन कुछ ऐसे लीनियरली जाती है। ये बन जाता है डायलेटेंट फ्लूड, ये बन जाता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूड, और ये बन जाता है बिंगम प्लास्टिक फ्लूड। तो इस वजह से ये बन जाएगा न्यूटोनियन फ्लूड के लिए जो आप लोगों की जो बनती है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, लीनियर। याद रख लीजिए, एसएससी जी 2015 का क्वेश्चन है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूड इज ऑलवेज लीनियर। सो आई होप आप लोगों को आज का मेरा क्लास पसंद आया होगा। कल का हीट एंड मास ट्रांसफर का क्लास थोड़ा बड़ा ला के दूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वेडनेसडे का क्लास मेरे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मिस हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक जरूर करें, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करें, वो मैं आप लोगों के लिए रीटेक करके बताऊंगा क्लास में, कुछ भी डाउट्स होगा तो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद एंड जय भारत।